दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। आपकी सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों हर वीडियो में कि सकारात्मक रहें। आपका फोकस जहां पे होता है वैसी एनर्जी कुदरत आपकी लाइफ में फ्लो करती है। आज के दोस्तों मैं जो रेमेडी आपको दे रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। एक से दो दिन में इसका रिजल्ट आप साफ साफ देख पाएंगे। आपका कैसा भी कितना भी बुरा दिन चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, अगर इस रेमेडी को आप करते हैं तो आपका ऑरा टोटल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों देखिए परेशानियां क्यों आती हैं लाइफ में, ये ऑप्टिकल्स आते क्यों हैं, सबसे पहले इस बात को समझिए। कभी कभी क्या होता है, हम किसी कार्य में किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों की ऐसी नजर लग जाती है या फिर हाय लग जाती है या बद्दुआ लग जाती है ना। तो समय समय पर इन चीजों का उपाय करते रहने से ये सारी नेगेटिविटी हमारे ऑरा से क्लियर हो जाती है। अगर हमारा ऑरा क्लियर नहीं है, हमारे ऑरा में यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो इसका मतलब ये है कि हमारा लाइफ जो होगा वो अनबैलेंस हो जाएगी, या फिर कोई प्लैनेट अनबैलेंस होता है तो उसके कारण भी लाइफ अनबैलेंस हो जाती है। तो ये छोटा सा प्रयोग दोस्तों आप सिर्फ एक दिन करेंगे और ज्यादा नहीं दोस्तों, दूसरे दो या तीन दिन में इसका रिजल्ट आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम बैड लक पीछे पड़ा हुआ है, जिसे दुर्भाग्य कहते हैं कि दुर्भाग्य पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बिना खर्चे का ये उपाय दोस्तों आप एक बार आजमा करके देखिए। देखिए उपाय आपने काफी किए होंगे लेकिन आज का जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये आप अपनी कुल देवी का नाम लेकर के करेंगे, क्योंकि कुल देवी में दोस्तों इतनी ताकत होती है, अगर वो प्रसन्न हो गई ठीक है तो आपको कोई ग्रह, कोई पितृ दोष, किसी की नजर, किसी की हाय, किसी की बद्दुआ ये जिंदगी भर टच नहीं कर सकती। एक दिन का ये प्रयोग दोस्तों अगर आपने आजमा लिया और सही तरीके से मेरी बताई विधि से कर लिया, 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि दरिद्रता आपकी जिंदगी में कभी भी आपको टच नहीं कर सकती, दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, जो भी कार्य आप सोचेंगे आपके सोचने मात्र से वो कार्य बनेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कामों में रुकावट आती है, जहां भी जाओ सभी कामों में रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, पैसा अनएक्सपेक्टेड घर से जा रहा है, मनी का टोटल ब्लॉकेजेस हो चुका है, मतलब कोई ऐसा आपको साधन ही नहीं बचा कि पैसे आए। तो ये करने से आपके लाइफ में मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, साथ में आपके राजयोग बनेंगे, जो काम आप सोच रहे हैं वो काम आपके सोचने मात्र से बनेंगे। प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों देखिए काफी रेमेडीज करने के बाद भी जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी रेमेडीज जिनकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस हो सकता है, या घर में वास्तु अनबैलेंस है, या फिर घर में किसी प्रकार की बंदिश है। तो यदि बर्थ चार्ट में यदि कोई प्लैनेट अनबैलेंस होगा तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उस प्लैनेट को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे तब तक कोई रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में यदि बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि घर में किसी प्रकार की बंदिश है उसको रिमूव करा के घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, यदि बर्थ चार्ट कन्फर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टडी में, शादी विवाह में, कैरियर में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करें। आपकी जो भी समस्या है बर्थ चार्ट, फेस रीडिंग, इसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो रेमेडीज दी जाएगी, 7 दिन में आप उसका रिजल्ट परिवर्तन साफ साफ देख पाएंगे।
आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। यस के अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को पेरेंट्स बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। यदि बच्चों का स्टडी वगैरह में मन नहीं लग रहा है, या घर का कोई मेंबर्स ऐसा है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या कोई ऐसा पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को मतलब सही दिशा दिखाना चाहते हैं, पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लग रहा है, घर में बात नहीं मानता है, गलत संगति में पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। मतलब घर का कोई भी मेंबर्स अपने मेंबर्स के लिए इस प्रयोग को कर सकता है, खुद के लिए भी कर सकता है। आपको 9 की मात्रा में लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च के जो दाने होते हैं 9 आपको लेना है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, सुबह में सबसे पहले किसी मिट्टी के पात्र में, पीतल में, तांबे के पात्र में इनको रख देना है। अपने पूजा स्थान में आपको बैठ जाना है। प्रयोग जिस दिन करेंगे दोस्तों, उस दिन आपको सात्विक रहना है, ठीक है। कोई भी नॉन वेज वगैरह ना लें, ड्रिंक अल्कोहल ना लें, ठीक है। और इनको रख करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं और हो सके तो नीचे आसन लगा लें। अपनी कुल देवी का ध्यान करें, ठीक है। कुल देवी से प्रार्थना करें कि मेरा जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं, दोस्तों कुल देवी से यदि प्रार्थना की जाती है 100% उसका रिजल्ट आता है। आपको ये नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तो उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको कुल देवी का ध्यान करना है, ठीक है। उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरी जिंदगी में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसका मुझे समाधान मिले, इन परेशानियों से मुझे मुक्ति मिले, ये बोल करके काली मिर्च आपको कहां रख देना है, अपने पूजा स्थान में। और उसके बाद में जब सूरज ढल जाता है तो आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर सब जो आपका मेन गेट होगा वहां पर आपको बाहर जाना है, काली मिर्च सीधे हाथ में लेनी है, ठीक है। और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज यानी कि सीधा अपने सिर से 9 बार उबार लेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज सिर से 9 बार उबार लेंगे। पहले सीधा उबारना है, उसके बाद में उल्टा उबारना है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से आपको अपनी कुल देवी से प्रार्थना करना है कि जिस भी वजह से पितृ दोष है, काल सर्प दोष योग है, वास्तु दोष है, तंत्र है, मंत्र है, क्रिया कराया, टोना टोटका या किसी की बद्दुआ है, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा प्लानिट अनबैलेंस है, कोई भी ग्रह दोष है ना, तो जिस वजह से आपकी जिंदगी में धन संबंधित परेशानी आ रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इन सब चीजों से मुझे मुक्ति मिले, ऐसी आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब एक दान आपको उठाना है और मन में ये प्रार्थना करनी है अपनी कुल देवी से कि ये मेरी सारी परेशानियां दूर हो रही है। और ओम का 3 बार उच्चारण करते हुए सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ आप एक दाना फेंक देंगे, फिर दूसरा दाना आपको लेना है, ओम का उच्चारण करना है, और आपको यह सोचना है कि तमाम प्रकार की तकलीफें अब मेरी जिंदगी से टोटल चली गई हैं। इन चीज को सोचते हुए 3 बार ओम 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 बोल करके अब इसको आपको आग्नेय दिशा में छोड़ देना है, मतलब कि पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर है, ठीक है, जो पड़ेगा पहले पूर्व में, फिर आग्नेय में, फिर यही चीज क्रिया करनी है आपको दक्षिण दिशा में, ठीक है। दक्षिण के बाद में फिर से यही प्रार्थना करते हुए आपको ये विजुलाइज भी करना है कि लाइफ की जो मेरी परेशानियां हैं, जो भी परेशानी चल रही, दुख दरिद्रता या फिर दुर्भाग्य ये पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, ये नैगेटिव दिशा में छोड़ देंगे। फिर बाद में यही क्रिया करते हुए पश्चिम दिशा में छोड़ देंगे, यही क्रिया करते हुए वायव्य में, उसके बाद में फिर यही क्रिया करके उत्तर, और उसके बाद में लास्ट बचती है आपकी, सॉरी लास्ट सेकंड बचती है आपकी ईशान को, ईशान में। अब लास्ट वाली आपकी बची है तो इसको आपको पूर्ण तरीके से कंसंट्रेशन करते हुए कि सारी की सारी परेशानियां अभी आपकी जिंदगी से टोटल निकल गई है और आपको ऊपर फेंक देना है, ये क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर क्या करना है, यदि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने मेंबर्स के लिए करके, तो दोनों आपको घर के अंदर एंटर होने से पहले हाथ पैर वगैरह धो लें। जब इस क्रिया को करेंगे तो किसी पात्र में सामने पानी रख लें और इस हाथ पैर मुंह वगैरह धो के अंदर एंटर कर जाएं। ये क्रिया आप किसी भी रविवार के दिन में या अमावस्या के दिन में कर सकते हैं। एक बार ये प्रयोग करना है दोस्तों, 2 से 3 दिन में आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या थी, मतलब मनी चैलेंजेस तो दूर होना ही होना है, उसके अलावा भी जो आपकी परेशानियां चल रही थी, शत्रु बहुत हैं या फिर रोजगार नहीं चल रहा है, व्यापार बिजनेस आपका ठप पड़ा हुआ है, बेरोजगार बैठे हैं, कोई भी चीज में सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रहा है नौकरी में, तो ये सब सारी मतलब आपको जब प्रयोग करेंगे तो अपनी तकलीफों को अपने दिमाग में रखना है कि ये तकलीफ से मैं ग्रसित हूं और इन चीजों से मुझे मुक्ति मिले। अपनी कुल देवी से आपको ये प्रार्थना करते हुए क्रिया आपको सिर्फ एक बार करना है। एक बार में आपको 3-4-5 दिन में जो भी परिवर्तन नजर आता है तो इसको आप आगे भी दोहरा सकते हैं, है ना। 4 रविवार कर लीजिए या फिर 4 अमावस्या कर लीजिए, या कंटिन्यू अमावस्या के लिए करते रहे, या रविवार रविवार करते रहे, कोई आपका खर्चा तो लगना नहीं है इसमें,
है ना, क्योंकि देखिए बाहर आप जाएंगे कहीं ना कहीं लोगों की नजर हाय बद्दुआ ये तो लगती रहेगी, नेगेटिविटी तो एंटर होती रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक बार अपन ने भोजन कर लिया वो जिंदगी भर चल जाएगा, है ना। एनर्जी हमें जैसे बॉडी को रन करने के लिए भोजन हमें कंटिन्यू करना रहता है, तो कुछ समय के अंतराल में बीच बीच में इस प्रयोग को दोहराते रहें, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो उसको कंटिन्यू करते रहें, और रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, गारंटी है इस बात की, क्योंकि बहुत ही टेस्टेड और प्रमाणित प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। इस प्रयोग को करने के बाद में शायद आपको और कोई प्रयोग करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में करिए, और ऐसी कोई बात हो जो समझ में ना आ रही हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, वीडियो को जानकारी को ढूंढ कर लाने में, एपिसोड बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग किस क्षेत्र से, देखिए दोस्तों YouTube में आप मेरा परिवार हो, मैं आपका परिवार हूँ, कहीं ना कहीं हम एक मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं। तो आप किस क्षेत्र से, किस जगह से जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, अपने नाम के साथ में कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री काली इस कमेंट के साथ में जरूर बताएं, ठीक है। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको बेनिफिट मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुआएं ही देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, अच्छी जानकारी है, अच्छी चीजें आगे भेजेंगे तो प्रकृति कुदरत वही चीज 100 गुना आपको रिटर्न करेगी, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या फेस रीडिंग के थ्रू अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है 100% उस समस्या का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, जिसका परिवर्तन आपको 7 से 11 दिन में दिखाई देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।